स्टूडेंट्स आई होप यू डूइंग वेल दिस इज हमार्ट जस्ट फ्रेंड्स आज हमारा एक नया ट्यूटोरियल स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है सीएसएस। ठीक है तो आ, इसमें हमारा आज जो है आज कल लेक्चर है सीएसएस का इसमें हम लोग कुछ जो है डिफरेंट चीजें देखेंगे ठीक है लेक्चर बिफोर कोडिंग कोडिंग से पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन देख लें सीएसएस के बारे में कि CSS क्या होता है ठीक है इससे प्रीरेक हमें क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे ठीक है तो चलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर वन की एजेंडा पे अच्छा तो हमारा जो एजेंडा है लेक्चर नंबर वन में जो हमने आज चीजें कवर करनी है उसमें एक तो है इंट्रोडक्शन ठीक है कि सीएसएस का इंट्रोडक्शन क्या है हिस्ट्री हम लोग देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है ठीक है फिर हम एडवांटेजेस की बात करेंगे फिर हम बात करेंगे कि वेबसाइट जो है आ, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो CC, को यूज करती होंगी ठीक है तो होपफुली कुछ स्टूडेंट्स को मोस्टली जो सी का एक पार्ट है वो ज्यादातर एटी लोगों को जो है वो क्लियर होता है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दू मैंने यहाँ पे मैंशन नहीं किया वो प्री का देखें सी एस एस आप लोग तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको एसटीएमल नहीं आता ठीक है मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जो है एसटीएमल के जितने आप जितनी भी चीजें हैं जितने भी कॉन्सेप्ट ठीक से है वो आप सीख लें ठीक है देन आप सी एस एस पे मूव करें अदरवाइज सी एस एस के बगैर तो लाइक like आप वैसे किस तरह कहेंगे मैं सीख लूंगा ऐसे नहीं होता वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना ठीक है एसटीएमल के बगैर

ठीक है आपको समझ आ गया होगा इसका मतलब क्या है देखें डेफिनेशन जो है सामने लिखी हुई है आपको इस तरह की सो so डेफिनेशन मिल जाएंगी, इजी भी मिल जाएगी मुश्किल भी मिल जाएगी डिफरेंट बुक्स में लेकिन आपको थोड़ा सा ना चीजें समझ आनी चाहिए कि अच्छा मतलब सी एस एस है क्या ठीक है लाइक डेफिनेशन तो आपको बहुत सारी चीजें बता रही होती हैं बट डेफिनेशन देफ, एक ऐसी चीज है जिससे क्या करते हैं लोग के बस उसको रट लिया याद कर लिया एक्सप्लेन बात करता हूँ ना ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है देखिए यहाँ पे वो क्या बता रहा है आपको of, आपको शायद हुआ प्रेजेंटेशन ये है तो वो मैं आपको अपनी वेडिंग में इजीली तरीके से समझाता हूँ कि बेसिकली जो सी है ना वो क्या करती है कि वो आपकी एस के कोड को एक इतने अच्छे व्यू में दिखाती है ठीक है जो कि एसटीमल नहीं दिखा सकता ठीक है वो नहीं दिखा सकता जो सी एस एस सी आपकी प्रेजेंटेशन क्रिएट करता है मतलब एग्जाम्पल दू ठीक है आपने कहीं पे जाके अपनी प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करनी अब आप भी है एक साथ दूसरा बंदा भी है ठीक है आप दोनों हैं अब उसने कोई अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं जो सिंपल कोड और अच्छा बनाना कि जो देखे, उसको बड़ा अट्रैक्टिव लगे दैट्स कॉल्ड सीएसएस ठीक है अब सी एस एस में डिफरेंट चीजें हैं डॉक्यूमेंट मतलब हमने तो एच टी एम एल के साथ काम करना ठीक है एग्जाम में काम करता है सी एस एस फिर एसवीजी है मैथ्स एम है ठीक है, है इसको डिटेल में आगे किसको बस एच आपको बस एल के साथ सी का पता होना चाहिए सिंपल ठीक है यहाँ पे लास्ट लाइन जो लिखी है अदर मीडिया ठीक है इसका क्या मतलब है कि आप इस तरह काम करें और ऐसे काम करके रेंडर करें जो दिखने वाला है उसको ऐसा फील हो गया ठीक है

एस का कोड तो एक बंदे ने लिख लिया अब वो कोड जब ब्राउजर पे रन करता है किसी को दिखाता है और मतलब बहुत सारी चीजें अप्लाई की लेकिन वो नहीं यार, ये तो कुछ है ही नहीं है ना जैसे कि अगर आप देखें एस टी एम एल की जो मैंने पे, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ तो जैसे ये है ये ठीक है तो इसको देखें इसमें क्या है कि हेड है

एक डांचे के ऊपर दैट्स कॉल्ड सीएसएस मतलब कोई भी एक खाली चीज उसके ऊपर आपने कुछ भी अप्लाई करना लाइक like कलरिंग ठीक है कुछ और डिफरेंट चीजें जिससे वो अट्रैक्टिव लगे ठीक है उसको हम क्या कहेंगे सीएसएस कहेंगे ठीक है ओके okay. अच्छा अब इसके बाद मैं एक और एग्जांपल आपको अगर दूं सी की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है मैं कहता हूँ कि एक बंदा है वो क्या करता है कि वो एक जगह पे उसने एक प्लॉट लिया ठीक है लाइक घर बनाने के लिए उसने प्लॉट ले लिया अब वो जो प्लॉट उसने लिया ना वो अभी क्या है वो अभी कुछ भी नहीं है ठीक है लाइक वहां पे उसने एक लाइक like, एग्जांपल देते हैं हम फोल्डर बना लिया उसने वो एक प्लाट है हम फ्लोर फोल्डर प्लाट को हम फोल्डर बोलते हैं ठीक है अब उस फोल्डर में उसने क्या किया कि एक ढांचा क्रिएट किया ठीक है मतलब कि उसने लाइक अपने घर बनाने के लिए ना एक उसके ऊपर एक ढांचा खड़ा कर दिया किस पे जो प्लॉट है सारा डांचा वगैरह बन गया उसके अंदर क्या थे, रूम्स ठीक है सारा कुछ बना हुआ ये नहीं कि कुछ नहीं बना हुआ लाइक उसमें आपका किचन वाशरूम आपका टीवी लॉन्च आपके रूम्स वगैरह सारा कुछ है ठीक है आप वहां पे सो भी सकते हैं रह भी सकते हैं सब कुछ है बन गया लेकिन उसने कोई वो कहते हैं ना प्लस्टर करना रंग करना ठीक है ये काम उसने अभी तक नहीं किया हुआ ठीक है अब एक और बंदा आता है वो क्या कहता है वो उसके ऊपर ना बैर सिमट करता है पहले सीधे ठीक है फिर कलरिंग शलरिंग करता है ठीक है फिर अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयरों के हिसाब से वो क्या कहता है बैक हर रूम में अलग कलरिंग करता है ठीक है वॉल की कलरिंग ठीक है अब ये सारा कुछ करके जब रखते अब जब बंदा देखने आता है तो बंदा इट्स टू अमेजिंग। मतलब क्या कलरिंग है लाइट्स को देखता है मतलब कलरिंग के अलावा बहुत सारी चीजें हैं ठीक है कुछ एनिमेशन कुछ डिफरेंट चीजें अब ये क्या होगी सीए से सप्लाई होगी दो चीजें आपको समझाएगी अब मैं अगर तीसरी चीज आपको बताऊँ जैसे ये बलम वगैरह है या इसके अलावा फैन वगैरह है अब इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है ठीक है एक बटन के क्लिक पे कोई ना कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई होगी इसको क्या कहेंगे कोई बैकएंड फंक्शन ठीक है जो कि जवा स्क्रिप्ट कह सकते हैं ठीक है कोई और बैक एंड मतलब जो भी बैक फंक्शन लगता है ठीक है होपफुली आपको ये काफी चीजें इजीली क्लियर होगी होंगी ठीक है वेरी इजी वे में मैंने आपको समझाया ओके okay, सो so आगे चलते हैं आ, हमारे पास आगे जो है हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं देखें आ, स्टार्ट हुई थी सीएसएस 1994 से 1994 पे ना एक ये थे हमारे पास जो साइंटिस्ट है हक्कुन विलम प्रपोज किया था सी ठीक है अब उसमें यू नो दैट कुछ इश्यूज थे और कुछ उस तरह जो है चल नहीं पाई तो उन्होंने फिर सी फिर एस का लेवल वन निकाला ठीक है सी एस लेवल वन जिसको उन्होंने किया था डब्ल्यू थ्री सी आप सर्च भी करेंगे आपको बताएगा कि ये लेवल वन है सी है एस का वो निकला 1996 में 1998 में क्या हुआ कि सी एस एस टू नाम निकला लेवल टू का ठीक है वो रिलीज़ हुई ठीक है उसमें उन्होंने बड़ी मजेदार की चीजें निकाली इसमें उन्होंने एक कांसेप्ट दिया था एब्सोल्यूट का रिलेटिव का फिक्स पोजीशनिंग ये अभी भी यूज होती हुई चीजें ठीक है ये उस टाइम एक वो निकला उसके बाद फिर तो, 2011 में ठीक है यहाँ पे क्या हुआ कि अह सीएसएस लेवल 2 एक निकला था

नहीं आई ठीक है मतलब हम कहेंगे बहुत कोई नया वर्जन आया लेवल फोर आया लेवल फाइव नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी तक लेवल जो है हमारा क्या चल रहा है लेवल टू चल रहा है उसके डिफरेंट जो है मतलब अभी यहाँ पे टू आया था यहाँ पे थ्री आया था वही अभी तक चल रहे हैं ठीक है सो जो है अभी तक कोई सब छोटे छोटे अपडेट्स तो आते हैं अपडेट के अंदर कोई नई चीज आ गई बट ये है कि उसमें कुछ बड़ा अपडेट जो है वो नहीं आया ठीक है तो ये हमारे पास की हिस्ट्री थी अच्छा तो बड़ा एडवांटेजेस क्या क्या है नीट सपरेशन, नीट सेपरेशन सेपरेशन काम बड़े मजे का होता है आप एक अलग फाइल बना के काम करते हैं उसको कॉल करते हैं एच में वो बड़ा मतलब नीट एंड क्लीन काम होता है मतलब वो खप खूप नहीं होती कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि आपको है ना वो बड़ा कंसिस्टेंट होता है डाटा वगैरह ठीक है और बड़े इजिली और

आप, आपने एक वेब डिजाइन की और आप उसको लैपटॉप पे भी चलाना चाह रहे हैं उसको मोबाइल पे भी चलाना चाह रहे हैं उसको लाइक like, टीवी पे भी कहीं पे आप बड़ी एलईडी पे चलाना चाह रहे हैं तो वहां पे भी चलनी चाहिए इजी टू अपडेट अपडेट इसको करना बहुत मतलब मैं कहता हूं कि यहाँ पे आपने एक डिजाइन करके मुझे दिया और मुझे वो नहीं अच्छा लगा मैंने कहा यार मुझे ये चेंज है ना आपने वापस पकड़ा अब वो पता था मैंने यार ये काम यहाँ यहाँ किया हुआ है ठीक है एक अलग फाइल बना के तो वो आप एकदम ना करके मुझे चेंज कर देंगे ठीक है अच्छा उसके बाद वेबसाइट्स हैं अब ये आप देख के भी बड़े थोड़े सा होंगे सी एस एस जो है ना ये सारी की सारी जितनी भी वेबसाइट है ना बड़ी बड़ी ये सारी सारी की सी एस एस को तो ये कोई हवाई बातें नहीं है मैं सीरियस बता रहा हूँ सर्च करिएगा ठीक है गूगल पे बाकी डिफरेंट जगहों पे तो आपको ये मिलेगा एप्पल की कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी वो सी एस एस को यूज कर रहे हैं गूगल यूज कर सी एस एस को ठीक है नेटफ्लिक्स यूज कर रहा रिस्पॉन्सिव के लिए नेटफ्लिक्स हो गया ये YouTube हो गए, ये दोनों यूज करते हैं CCS को आ, इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिव के लिए ठीक है इसका रिस्पॉन्सिव बड़ा अच्छा है वो मीडिया क्यूरी यूज करते हुए ना तो उसके बाद एयर है ये यूज करते है ट्विटर स्पोटिफाई बीबीसी की सारी सारी बेशक इसको एक एक को सर्च करके देखिए वहां पे आपको सीसीस का नेम मिलेगा ठीक है स्टूडेंट्स तो ये था कुछ हमारे पास एस का इंट्रोडक्शन और कुछ उसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो मैंने आपको बताई ठीक है बाकी इनशाला टाइम बाय टाइम हम एस को वन बाय वन स्टेप्स के साथ हम इसको देखेंगे ठीक है इसकी कोडिंग करेंगे सो so अगेन इसको करने से पहले आपको एच आना लाजमी है ठीक है नहीं तो आपके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है ठीक है क्योंकि हम जो कोड करेंगे वो या एच के अंदर करते हैं या एक अलग फाइल बना के उस फाइल को कॉल करते हैं एच में ठीक है तो थैंक यू सो मच अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ठीक है तो आप इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ठीक है आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज थैंक यू सो मच जजाकल्ला